नकली नोटों का कारोबार करने वाले तीन बदमाशों को गिरफ्तार करने में रीवा पुलिस को सफलता मिली है। वहीं दो आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 500-500 रुपए के 300 नोट जो कुल 1,50,000 रुपए जब्त किए गए हैं। पकड़े गए दो आरोपी किशन लोधी और रिंकू लोधी राजस्थान के रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी अभिनव सिंह सतना का है। आरोपियों पर अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से 3 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपियों को भेजा गया है। पुलिस आरोपियों से विस्तृत पूछताछ में जुटी हुई है, इसमें और भी कई खुलासे हो सकते हैं। दो दिन पहले हम लोग को ये जानकारी हुई थी कि ये ग्रोह जो है फिर से सक्रिय हुआ है और कुछ जाली नोटों का आदान प्रदान जो है होने वाला है। इसी क्रम में पुलिस जो है राजस्थान भरतपुर से संबंधित थी, उसमें राजस्थान के कुछ आरोपी थे और एक रीवा से संबंधित लोग थे जो इस कारोबार में जुड़े थे और आपस में कुछ लेन देन कर रहे थे। पुलिस ने उसी बीच घेराबंदी की। पुलिस को देख करके वो लोग भागे, सहयोग से अंधेरे का फायदा उठाकर एक व्यक्ति भागने में सफलता अर्जित कर ली। रौनक पांडे देवतालाब का रहने वाला है और जो अभी पूछताछ हुई है उससे ये जानकारी हुई कि ये राजस्थान का ये लड़का रिंकू पहले भी आया है। अभी उससे गहन पूछताछ होगी कि वो कब आया, कैसे आया और क्या क्या किया यहाँ पे, ये विवेचना का विषय है।